said, what do you see? As you twist it out beneath our feet. What do you see? हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मोहम्मद सैफ, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स टाइम टू नोइंग कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की अर्टिगा पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। वेरिएंट है इसका VXI CNG। VXI में भी आपको CNG मिलता है। अब इंजन की बात करें फ्रेंड्स, आपको इसमें इंजन मिलता है पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का। पावर मिलती है 68 किलोवाट 60 लीटर के CNG टैंक से। टॉर्क मिलता है 122 न्यूटन मीटर का। इस कार के ऑन रोड प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको इस कार की ऑन रोड प्राइस मिलती है 10,20,000 अप्रॉक्स। एक्चुअल रेट जानने के लिए आप नियरेस्ट डीलरशिप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इस कार के फीचर्स की, तो फीचर्स आपको वही मिलते हैं जो आपको VXI वेरिएंट पे फीचर्स मिलते हैं। 4.3 मीटर की लेंथ मिलती है आपको, 1.7 मीटर की विड्थ मिलती है और हाइट मिलती है 1.6 मीटर की। टर्निंग रेडियस आपको मिलता है 5.2 मीटर का। नीचे फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता, आप एज एक्सेसरीज लगवा सकते हैं बाहर से। ये आगे की फ्रंट ग्रिल्स, यहां से मैं आपको हेडलाइट्स दिखा देता हूं। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलता है विथ नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट। यहाँ पे वाइपर्स, यहाँ पे देखो तो CNG की बैजिंग दी हुई है। ये साइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है। ORVM पे टर्न इंडिकेटर का भी ऑप्शन है। टायर साइज की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको 185/65 R15 टायर साइज मिलती है आपको इस कार की। 15 इंच के व्हील मिलते हैं आपको। ABS EBD भी मिलता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है। सिंपल ब्लैक रिम मिलती है आपको विथ फुल व्हील कैप। अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है। मीटर का आपको व्हील बेस मिलता है। यहाँ पे शार्प डिजाइन, ए पिलर बॉडी कलर्ड मिलता है आपको। यहाँ पे एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। कुछ इस तरीके का मिलता है इसका साइड प्रोफाइल। आइए रियर लुक की बात करते हैं इस कार की। 3D LED टेल लैंप्स मिलते हैं आपको। टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट मैनुअल बल्ब मिलते हैं आपको। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर का लुक। यहाँ पे देखे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। यहाँ पे CNG की बैजिंग, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलता है। यहाँ पे देखे तो अर्टिगा की बैजिंग। नीचे बम्पर्स पे सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है जो कि बेस मॉडल से ही अवेलेबल है। बम्पर्स पे नीचे दो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। नीचे स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन है। एग्जॉस्ट टेल पाइप। चलिए देखते हैं इस कार का बूट ओपन करके कितनी बूट स्पेस मिलती है CNG टैंक लगने के बाद।
तो कुछ इस तरीके की बूट स्पेस मिलती है आपको अर्टिगा VXI CNG में। VXI में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ये यहाँ पे देखे तो आपको मिलता है CNG टैंक, 60 लीटर का आपको CNG टैंक मिलता है। केजी में बात करें तो आपको अप्रॉक्स 10.30 kg के आसपास इसमें गैस आती है, तो इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट किया हुआ है जिससे कि आपको ऊपर बूट स्पेस भी मिल जा रहा है, कवरिंग काफ़ी अच्छे से किया है इसको। यहाँ से आप इसको पैक कर सकते हैं, ये हार्ड मिलता है आपको, इस पे चाहें तो आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। इस तरीके का इसको कवर किया गया है कि आप ऐसे इसको बूट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई सामान वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे जैक रखने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप सीट फ्लिप भी कर सकते हैं बूट एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन जो VXI में फ्लैट बेड का ऑप्शन होता था वो आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ थोड़ा उठा रहेगा, ये चीज़ आपकी पूरी फ्लैट हो जाएगी। आगे सीट पे 60-40 स्प्लिट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, ऐसे आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है VXI वेरिएंट में। VXI CNG में इस वजह से आपका थोड़ा बूट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको जगह मिलती है बूट को यूज़ करने के लिए। यहाँ देखे तो आपको 60 लीटर का CNG टैंक जिसमें गैस आती है आपकी अप्रॉक्स 10.30 kg। कलर ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका ये कलर है पर्ल आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे, ऑक्सफर्ड ब्लू, सिल्की सिल्वर, मेटेलिक ऑबन रेड, इन कलरों में भी अवेलेबल हो जाएगी अर्टिगा VXI CNG। एवरेज भी इस कार का काफ़ी अच्छा है, 26 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये था इस कार का एक्सटीरियर, चलिए इंटीरियर की बात करते हैं। मैंने ड्राइवर साइड डोर ओपन किया हुआ है, बीच कलर का आपको इंटीरियर मिलता है अर्टिगा VXI में। यहाँ पे देखे तो डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस मिलती है, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, ये मेन लॉक, यहाँ देखे तो ORVM के कंट्रोल, एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन मिलता है। ड्राइवर साइड पावर विंडो में आपको ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है, यहाँ पे देखे तो आपको 1 लीटर वाटर होल्डर और पेपर वर्क की स्पेस मिलती है, नीचे स्पीकर, सीट फैब्रिक काफ़ी अच्छा है इस कार का, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी भी, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ ही आती है, हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, रिक्लाइन का आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पे टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, ये नीचे विन प्लेट, यहाँ पे मिलती है आपको AC विंड्स, यहाँ पे फ्यूल कन्वर्टर स्विच मिलता है, यहाँ हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिलती है मोबाइल वॉलेट रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस कार में अंदर बैठ के। तो फ्रेंड्स मैं बैठा हूँ इस कार के अंदर, इस तरीके की कीज़ मिलती है आपको VXI वेरिएंट में, रिमोट की का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं। आइए कार को ऑन कर लेते हैं। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है आपका, यहाँ पे देखे तो आपको मिलता है RPM मीटर, RPM मीटर में कुछ वार्निंग लाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको बीच में मिलती है एक MID स्क्रीन जिसपे शो करता है डिजिटल क्लॉक, CNG पेट्रोल का ऑप्शन, फ्यूल लेवल शो कर रहा है CNG पेट्रोल का, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ देखे तो आपको स्पीडोमीटर मिलता है, ये इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसपे आपको मिलती है
सुजुकी की बैजिंग। यहाँ पे देखे तो आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलते हैं, नीचे कॉल्स और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स, यहाँ देखे तो हेडलाइट के कंट्रोल लीवर मिलते हैं, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग, डुअल एयरबैग का ऑप्शन मिलता है ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। यहाँ पे कोई लेदर टच नहीं है, हार्ड फाइबर मिलता है आपको। यह आपका टच इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, जो कि टच पे काम करता है, सपोर्ट करता है यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ, एफएम। यहाँ पे हजार्ड लाइट कंट्रोल्स, ये मैनुअल डायल टाइप एसी मिलते हैं आपको। नीचे की तरफ देखे तो आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पे यूएसबी ऑक्स की कनेक्टिविटी, यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिलती है, यहाँ पे देखे तो कूल कप होल्डर मिलता है आपको, यहाँ पे गियर नॉब मिलता है, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन और 1 रिवर्स गियर के साथ। यहाँ पे देखे तो आपको हैंड ब्रेक मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है सिल्वर नॉब के साथ। यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे को ड्राइवर साइड एसी वेंट्स, यहाँ पे भी देखे तो आपको मिलती है एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे ग्रैब का ऑप्शन है स्लो मूव के साथ, यहाँ पे देखे तो सनशेड मिलती है जिसमें वैनिटी मिरर का ऑप्शन है। को ड्राइवर साइड भी बात करें तो यहाँ पे डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, पावर विंडो कंट्रोल्स और सिल्वर डोर ओपनर मिलता है, नीचे स्पीकर और 1 लीटर वाटर होल्डर का ऑप्शन मिलता है, एक ग्लोव बॉक्स स्पेस। यह RVM, केबिन लाइट, ड्राइवर साइड सनशेड में टिकट होल्डर का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स चलिए बैठ के देखते हैं इसकी रियर सीट्स पे। तो फ्रेंड्स मैंने रियर साइड डोर ओपन किया हुआ है, रियर साइड डोर थोड़ा वाइड मिलता है आपको क्योंकि इसमें थर्ड रो से भी यहीं से एंट्री मिलती है, यहीं से आपको जाना होगा थर्ड रो में भी, जैसा कि मैंने आपको VXI वेरिएंट पे बताया। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप VXI वेरिएंट का फुल डिटेल रिव्यू जाके एक बार दे सकते हैं, वही फीचर्स आपको इस कार में भी मिलते हैं, बस फर्क ये है वो फुल्ली पेट्रोल है और इसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखे तो आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है फिक्स, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल्स और सिल्वर डोर ओपनर मिलता है, नीचे 1 लीटर वाटर होल्डर और पेपर वर्क स्पेस। यहाँ देखे तो आपको स्पीकर का ऑप्शन है, एंट्री काफ़ी वाइड मिलती है फ्रेंड्स इस कार में क्योंकि आपको यहाँ से थर्ड रो में भी जाने का ऑप्शन है। थर्ड रो पे मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मैंने अपने VXI वेरिएंट में बताया है आपको थर्ड रो में भी जाके हेड रूम लेग रूम आपको कैसे मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं थर्ड रो में भी, थर्ड रो में आपको वाटर होल्डर मिलता है। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स तो आपको ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा होगा जहाँ पे चार्जिंग पॉट आता है, इस वेरिएंट पे नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए बैठ के देखते हैं रियर सीट्स पे। सीट्स की हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल काफ़ी सीट्स है इसकी, लेग रूम भी आपको अच्छा मिलता है, हेड रूम भी ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है रूफ AC, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं फैन को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रो में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे देखें तो 12V का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, को ड्राइवर सीट के पीछे आपको सीट पॉकेट मिलते हैं, यहाँ पे भी देखें तो आपको सिल्वर डोर ओपनर, पावर विंडो कंट्रोल और नीचे की तरफ आपको मिलता है स्पीकर और 1 लीटर वाटर होल्डर और पेपर वर्क स्पेस। आपका स्लो मूव के साथ ग्रैब, यहाँ पे भी आपको केबिन लाइट दी हुई है, पीछे भी आपको फिक्स ग्रैब का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पे व्हील कैप मिलता है आपको इस बॉक्स में, और यहाँ पे देखे तो फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे आपको मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर, सीएनजी वेरिएंट के साथ ही आता है ये कार के बाकी टूल्स, अल्टीना सर्विस गाइड वगैरह, रिमोट, कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स ये था इस कार का इंटीरियर। तो फ्रेंड्स ये था मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI CNG वेरिएंट का रिव्यू। अगर आपको इस रिव्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप VXI वेरिएंट का भी रिव्यू देख सकते हैं, मैंने उसका भी रिव्यू डिटेल में डाला हुआ है। इस कार की ऑन रोड प्राइस मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई है, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा कमेंट में, और कार चलाते टाइम सीट बेल्ट पहने, बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहने। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।